Hello everyone, you are welcome on MDN Education. Today in this video we will discuss 9th class 3rd chapter Ishwaran the Storyteller. And this chapter consists in the second book Moment Supplementary Reader. First of all, Ishwaran the Storyteller. Ishwaran the Storyteller. Storyteller means कहानी बताने वाला. ईश्वरन व्यक्ति का नाम है. इट इज रिटन बाय आर के लक्ष्मण. लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि कहानी में क्या है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ईश्वरन आकोक. यह जो कहानी है वो एक इंटरेस्टेड स्टोरी है जो कि ईश्वरन एक कुक के बारे में है. मतलब यह जो कहानी है किसके बारे में है. ईश्वरन एक कुक है. कुक मतलब जो खाना पकाता है. ठीक है. तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर के रूप में हमें मिला ईश्वरन जो कि एक कुक है. ही सर्वड एज अ कुक टू महिंद्रा अ जूनियर सुपरवाइजर. ठीक है. जूनियर सुपरवाइजर तो महिंद्रा को वो कुक करता है. मतलब महिंद्रा के लिए वो खाना पकाता है. तो महिंद्रा कौन है. महिंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर है. ठीक है. जूनियर सुपरवाइजर. और सुपरवाइजर कौन सा होता है. निरीक्षक जो सुपरविजन का काम करता है. मतलब जो निगरानी रखता है काम के ऊपर. ईश्वरन वाज डिवोटेड टू हिज मास्टर. अब ईश्वरन अपने मालिक के प्रति क्या था. बिल्कुल समर्पित था. ही वाज एन एक्सपर्ट कुक. वो एक्सपर्ट कुक था. अनदर क्वालिटी ऑफ ईश्वरन वाज दैट ही वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर. दूसरी जो क्वालिटी थी उसके अंदर वो क्या थी. वो एक मास्टर स्टोरी टेलर था. बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताता था. He narrated even the smallest incident of his story by weaving suspense around it. मतलब यदि उसने कोई छोटे से इंसिडेंट को अपनी कहानी के अंदर एक छोटे से इंसिडेंट को भी बताना है तो वो उसके अंदर इस तरह से सस्पेंस को क्रिएट करता था. And one day he told his master a story about a mad elephant. तो उसने एक दिन अपने मास्टर को. उसका मास्टर कौन है. महेंद्रन. ठीक है. महेंद्रा. तो उसने एलिफेंट के बारे में एक पागल हाथी की कहानी सुनाई. मतलब एंड ऑन अनदर डे ही टोल्ड महेंद्रा दैट द घोस्ट ऑफ अ वुमेन अपीयर्ड अराउंड द हाउस ऑन द फुल मून नाइट. और एक दिन उसने दूसरे दिन उसने बताया महेंद्रा को कि एक औरत का भूत है जो वो पूर्ण चंद्र पूर्णिमा को. ठीक है. वो घर के चारों तरफ चक्कर काट रहा था. वन नाइट महेंद्रा वॉक अप ऑन हीरिंग सम साउंड. और एक दिन महेंद्र कुछ आवाज़ सुन करके जाग गया. And he looked out of the window. और उसने खिड़की से बाहर देखा. He saw a dark cloudy figure. उसने बाहर काली सी आकृति देखी. He began to sweat with fear. और उसने वह पसीने से लथपथ हुआ. मतलब डर के मारे उसको पसीना आ गया. The next morning he hurried to his office and handed in his papers for transfer from that place. तो अगली सुबह ही उस वो जल्दी से अपने ऑफिस में गया और उसने उस जगह से अपने ट्रांसफ़र के पेपर सबमिट किए. तो ये थी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं महेंद्रन और महिंद्रा और ईश्वरन के बारे में. तो ईश्वरन कौन है. कुक है और महिंद्रा उसका मालिक है. तो लेट स्टार्ट. आपको पता चल गया करेक्टर के बारे में. महिंद्रा वाज अ यंग मैन. महिंद्रा क्या था. एक यंग मैन था. ही वाज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म. तो वो एक फर्म में क्या था. जूनियर सुपरवाइजर एज वी हैव डिस्कस्ड. His firm offered supervisors on hire at different construction sites. अब उसकी जो फर्म थी वो क्या करती थी. वो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती थी. साइट्स का मतलब स्थल जगह प्लेस. तो कंस्ट्रक्शन साइट्स मतलब जो निर्माण स्थल होते थे उन निर्माण स्थल पर किराए पर क्या करती थी. सुपरवाइजर प्रदान करती थी. मतलब जो काम की निगरानी रखे. कहां पर. कंस्ट्रक्शन साइट्स पर. हिज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. तो उसकी जो जॉब थी किसकी. महिंद्रा की. वो वर्क साइट पर हो रही एक्टिविटी के ऊपर नजर रखने की थी. मतलब उसको नजर रखना था कौन सा काम चल रहा है कौन सा रुका हुआ है. ही हैड फ्रीक्वेंटली टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार जाना पड़ता था. मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता था. ही वॉज अ बैचलर एंड हीज नीड्स वर सिंपल. वो अविवाहित था
बैचलर था, सिंगल था, और उसकी जो आवश्यकताएं थी वो क्या थी, बिल्कुल सिंपल थी, साधारण थी। ही कुड एडजस्ट हिम सेल्फ टू ऑल कंडीशंस, वह अपने आप को हर कंडीशंस में, सभी सभी परिस्थितियों में एडजस्ट कर सकता था। महिंद्रा हैड अ कुक, अब महिंद्रा क्या था, महिंद्रा एक कुक, तो ऊपर हमने किसके बारे में पढ़ा, महिंद्रा, ये यहाँ पर महिंद्रा हैड अ कुक, तो महिंद्रा के पास एक कुक था, महिंद्रा का एक रसोईया था, हिज नेम वाज ईश्वरन, उसका नाम क्या था, ईश्वरन। ही वॉज क्वाइट अटैच टू महिंद्रा एंड वेंट वेयर एवर महिंद्रा वॉज ट्रांसफर्ड, तो महिंद्रा से वो बिल्कुल अटैच था, एंड मतलब वो दोनों एक साथ रहते थे, बहुत लगाव था उनका एक दूसरे से, और जहाँ कहीं भी महिंद्रा जाता तो जहाँ कहीं भी उसका ट्रांसफ़र होता था तो ईश्वरन महिंद्रा के साथ जाता था। ईश्वरन वॉज अ गुड कुक, ही हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स फ्रॉम नो वेयर एंड कुक देम, मतलब वो एक बहुत अच्छा रसोईया था और उसमें एक अद्भुत क्षमता भी थी, अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वह कहीं भी सब्जियां पैदा कर लेता था और उन्हें पकाता था, कहीं भी, नो वेयर मतलब कहीं भी, इवन एट अ प्लेस वेयर देयर वर नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स, यहाँ तक कि ऐसी जगह पर जहाँ पर मीलों तक कोई दुकान ना दिखाई दे, ही वॉज एबल टू कुक वेजिटेबल्स, तो वहाँ पर भी, ऐसे स्थानों पर भी वो सब्जियाँ पका सकता था। ही वुड कंज्यूर अप डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल विद इन एन आवर ऑफ रीचिंग दैट प्लेस, मतलब वो उस स्थान पर पहुँचने के लिए 1 घंटे बाद ताज़ी जो सब्जियाँ होती थी, ताज़ी सब्जियों से बने स्वादिष्ट जो व्यंजन होते थे, भोजन होते थे, उनको तैयार कर सकता था। कंज्योर अप मतलब तैयार करना, बनाना। व्हेन महिंद्रा लेफ्ट फॉर ऑफिस, जब भी महिंद्रा ऑफिस चला जाता था, ईश्वरन वुड डू हिज वर्क एंड टेक अ लेजरली बाथ, तो ईश्वरन अपने काम ख़त्म कर लेता था और बिल्कुल आराम से क्या करता था, नहाता था। वाइल टेकिंग बाथ ही केप्ट मटरिंग अ प्रेयर, और जब भी वो स्नान करता था तो वो एक प्रेयर गाता रहता था। आफ्टर लंच टाइम ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू स्लीप, और लंच टाइम के बाद वह कुछ समय तक पढ़ता था सोने से पहले। ही रीड पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स, और वह पॉपुलर जो तमिल थ्रिलर्स होती थी, रोमांचक जो उपन्यास होते थे या जो कहानियाँ होती थी उनको पढ़ता था। द स्टोरीज दैट द ही नरेटेड वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई दीज नावल, अब जो भी वो कहानी बताता था वो इन तमिल थ्रिलर्स के द्वारा ही प्रभावित होती थी, मतलब समझ में आया, ईश्वरन के अंदर जो स्टोरी टेलिंग की जो कैपेसिटी थी वो किसकी वजह से थी, उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था, वो था तमिल थ्रिलर्स का। ईश्वरन वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर, ही नरेटेड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट बाई क्रिएटिंग अ लॉस्ट ऑफ सस्पेंस, एंड फॉर एग्जाम्पल ही हैड टू डिस्क्राइब अ फॉलन ट्री, तो एक बार वो फॉलन ट्री के बारे में बताता है। ही वुड नॉट सिंपली से दैट ही वॉज एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, वो कहता है, वो कहेगा कि सिंपली, बिल्कुल सिंपल नहीं कहेगा, ही सा अभी उसने देखा अपरूटेड, एक उखड़ा हुआ, एक गिरा हुआ पेड़ ऑन द हाईवे, हाईवे पर भी उसने हाईवे पर एक गिरा हुआ पेड़ देखा, ही वुड से, तो वो कहेगा, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल एलोन, भी जो रोड थी वो सुनी थी और उसके मैं उस पर मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनोमस बिजी बीस्ट, और अचानक ही मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी जो बिल्कुल कैसी थी, जो बिल्कुल बड़ी सी बिजी बीस्ट के जैसी थी, विशाल काय मतलब जो जानवर के जैसी दिखाई देती थी। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक आया, आई सॉ दैट इट वॉज ओनली अ फॉलन ट्री, तो मैंने देखा ये गिरा हुआ पेड़ था। तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, बाकी जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसके यहाँ तक जो क्वेश्चन आंसर आए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन फर्स्ट है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा, एसेट मतलब संपत्ति धन, तो जो ईश्वरन है वो महिंद्रा के लिए किस प्रकार एक संपत्ति है। ईश्वरन वाज अ गुड डोमेस्टिक असिस्टेंट एंड हेल्पर, यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंटरटेनर, 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 यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो।
तो ईश्वरन वॉज अ गुड डोमेस्टिक असिस्टेंट एंड एंटरटेनर फ्रॉम महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। भी जहाँ पर भी उसकी पोस्ट होती थी, ट्रांसफ़र होती थी, तो वो बिना किसी प्रकार की कंप्लेन के उसके साथ चला जाता था। कौन? ईश्वरन चला जाता था महिंद्रा के साथ, क्योंकि ईश्वरन क्या है? कुक है। ईश्वरन क्या है? कुक है। और महिंद्रा क्या है? एक सुपरवाइज़र है, ठीक है, सुपरवाइज़र। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। अपार्ट फ्रॉम कुकिंग एंड डूइंग हाउस होल्ड कोर्स, तो जो घर के काम है, कोर्स मतलब जो काम है, वो उनको मतलब खाना पकाने और घर के काम जो करने के अलावा, ही वॉज अ ग्रेट एंटरटेनर, वीविंग आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स मतलब जो शॉर्ट स्टोरी होती हैं, जैसे रोमांटिक, जो मतलब यह कह सकते हैं कि चुटकले, जो चुटकले होते हैं वो कह सकते हैं, या लघु कथाएं कह सकते हैं एनेक्डोट्स को, ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। एंड ही वॉज गुड एट मैनेजिंग सो रिसोर्सेज एज ही कुड फाइंड वेजिटेबल आउट ऑफ नो वेयर एंड मिरेक्लाउजली कंज्यूर अप द मोस्ट डिलीशियस चीज। अभी हम पढ़ के आए हैं कि उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि यदि मिलों तक कोई भी दुकान नहीं है तो फिर भी वो वेजिटेबल्स हैं जो वो उगा सकता है, पैदा कर सकता है, और खाना बहुत बढ़िया बनाता है, डिलीशियस डिश बनाता है। कंज्यूर अप का मतलब क्या होता है? बनाना। अगला क्वेश्चन, हाउ डज ईश्वर डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन दिस हाईवे एंड वट इफेक्ट डज ही वॉन्ट टू क्रिएट इन हिज लिसनर। तो जो ईश्वरन है वो किस प्रकार से अपरूटेड हाईवे के ऊपर जो अपरूटेड ट्री है उसके बारे में बताता है, एंड वो लिसनर के ऊपर अपना क्या प्रभाव जमाना चाहता है। ईश्वर डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री इन अ ड्रामेटिक वे, तो ड्रामेटिकली वो एक अपरूटेड ट्री को डिस्क्राइब करता है। ही सेज दैट, तो वो कहता है, वन नाइट ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, कि एक दिन वो, एक रात वो एक सड़क पर जा रहा था बिल्कुल अकेला। इट वॉज मून लाइट, मून लिट नाइट, चंद पूर्ण पूर्णिमा की रात थी। सडनली ही स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एनॉर्मस बिजी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। तो उसने क्या देखा? उसने कोई ऐसी चीज़ देखी जो बिल्कुल विशाल काय जानवर के जैसी लग रही थी और जो कि रोड पर पड़ी थी, रोड पर फैली हुई थी। ही वॉज हाफ इनक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, और वो आधी इधर झूलती और आधी फिर वापस आ जाती, मतलब वो चीज़ इधर से उधर हो रही थी। ही वॉज टेरिफाइड, तो वो डरावनी थी। बट ही वॉज ही एज ही वेंट क्लोजर, लेकिन जैसे ही वो नज़दीक गया, ही सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, तो उसने देखा कि तो गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, ही द अफेक्ट ही वॉन्ट्स टू क्रिएट इन हीज लिसनर्स ही सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग टू एवरी स्मॉल इंसिडेंट दैट ही नरेट्स। मतलब जो भी वो कहानी बताता है तो उसका एक ही मतलब होता है, एक ही मोटिव होता है, अपनी कहानी के अंदर सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट करना। तो ये थे क्वेश्चन आज के, तो आई होप इट क्लियर टू यू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।